राधे राधे भक्तों, आज हम आपको मांग महात्म के 18वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने बताया था कि पांच गंधर्व कन्याएं एक ऋषि के पुत्र को देखकर काम से पीड़ित हो गई थी और उनके हृदय दूषित हो गए थे। वे सब आपस में कहने लगी थी कि ये मेरा वर है, ये मेरा वर है। अब उसके आगे की कथा सुनाते हैं। यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऋषि कुमार आग्नेय ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार की चर्चा करते हुए देखा तो वे मध्यान्ह क्रिया से निवृत्त होकर विचारने लगा कि यह तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। क्या ये सुंदरियाँ मुझे भी विचलित करके सम्मोहित कर लेंगी? तब मैं किस प्रकार से अपना धर्म और शील की रक्षा कर सकूंगा? अतः मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा विचार कर ऋषि कुमार आग्नेय गंधर्व कन्याओं के अपने समीप पहुँचने के पूर्व ही अपने योग बल से अदृश्य हो गया। योग शक्ति से अदृश्य हुए ऋषि कुमार को अपने सामने ना पाकर वे सुंदरियाँ प्यास से व्याकुल मृगियों के समान दुखी और उद्वेलित हो गई। उन पांचों गंधर्व कन्याओं ने व्याकुल होकर ऋषि कुमार आग्नेय को बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। इस प्रकार से ऋषि कुमार आग्नेय के वियोग से दुखी और व्याकुल होकर वे गंधर्व कुमारियां अचेत हो गईं। कुछ समय बाद मूर्छा से मुक्त होते ही वे मणि खोए हुए सर्प की तरह व्याकुल तथा विक्षिप्त होकर अपने घर पहुंची। यहाँ से वे सीधे शयनागार में पहुंचकर अपने अपने बिस्तरों पर मूर्छित होकर गिर गई। ना तो उन्होंने भोजन किया और ना ही किसी से कोई बात की। गंधर्व कन्याओं की व्यथा की आगे कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अर्धचैतन्य और उदास गंधर्व कन्याओं को देखकर उनकी माताएं व्याकुल होकर उनके समीप आईं। अपनी पुत्रियों की ऐसी दशा देखकर गंधर्व पत्नियों ने उन्हें गुलाब जल के छींटे देकर चैतन्य करने का प्रयास किया। अपनी पुत्रियों को मूर्छा से मुक्त करने के पश्चात गंधर्व पत्नियों ने गंभीर होकर उनसे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई तथा आज तुम सबने गौरी पूजन में इतना विलंब क्यों किया? अपनी माताओं के प्रश्न सुनकर गंधर्व कन्याएं बोली, हे माताओं, आज हम जल विहार करने के लिए सरोवर पर गई थी। जब हम वहाँ पर गौरी पूजा कर रही थी उसी समय अनेकों किन्नर बालिकाएं वहाँ पर आ गईं। हमें सरोवर पर सामूहिक नृत्य और गायन में मग्न हो जाने के कारण समय का ध्यान ही नहीं रहा। इसी कारण हमारे लौटने में विलंब हुआ। आज हमने नृत्य गायन तथा संगीत में सामान्य से भी अधिक परिश्रम किया है। यही कारण है कि हम थकी हुई होने के कारण कंपायमान होकर बिस्तरों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई थी। आगे असत्य बोलते हुए उन गंधर्व कन्याओं ने कहा, हे माताओं, अत्यंत थकी हुई होने के कारण इस समय हमें ज्वर सा महसूस हो रहा है तथा वार्तालाप करने में भी कष्ट हो रहा है। अतएव अब कृपा कर हमें विश्राम करने का अवसर दें। इस प्रकार से वह रात्रि गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा तथा व्याकुलता में व्यतीत कर दी। हे राजन, प्रातःकाल जब भगवान भास्कर ने पूर्व दिशा में लालिमा बिखेर कर अपनी मुखाकृति प्रकट की तो उन गंधर्व कन्याओं ने वस्त्र आभूषण और परिधान परिवर्तित कर अपनी माताओं से गौरी पूजन का बहाना बनाकर वन के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, सरोवर के तट पर पहुंचकर उन पांच गंधर्व कुमारियों ने कल की ही तरह धूप दीप चंदन तथा पुष्पों से भगवती पार्वती जी की पूजा और नृत्य व गायन करती हुई वहीं बैठ गई।
उसी समय संयोगवश ऋषि कुमार आग्नेय भी सरोवर के तट पर आ पहुँचे। आग्नेय को वहाँ आया देखकर गंधर्व कुमारियाँ हर्ष विभोर होकर प्रफुल्लित हो उठी। उनके नेत्र हर्षोन्मत्त हो उठे। उन पांचों ने ऋषि कुमार को चारों ओर से घेर कर उपालंब देते हुए कहा, कल तुम कहाँ अदृश्य हो गए थे, किंतु तुम्हारा आज निकल पाना असंभव है। आज हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। हमारा प्रण है कि आज हम तुम्हारा पति रूप में वरण करेंगी अथवा मृत्यु को ग्रहण कर लेंगी। इस प्रकार अपने हाव भावों और वचनों से वे पांचों ही गंधर्व कुमारियाँ ऋषि कुमार अग्नेय को अपने वश में करने की चेष्टा करती रही। उन गंधर्व कुमारियों से घिरा हुआ ऋषि पुत्र अग्नेय गंभीर स्वर में बोला, हे गंधर्व कुमारियों, तुम अपनी रुचि तथा ज्ञान के अनुसार उत्तम शुभ अनुकूल तथा रुचिकर वचन कह रही हो, किंतु मुझे क्षमा कर दो। मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर गुरुकुल में वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। हे गंधर्व कुमारियों, इस समय विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। ऋषि कुमार के नीति और धर्म से परिपूर्ण वचनों पर ध्यान न देकर काम पीड़ित गंधर्व कुमारियों ने पुनः कहा, हे प्रियवर विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम तथा काम से धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है। धर्म की अधिकता के कारण ही इस समय काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। अतएव इस समय इस काम का विविध भोगों सहित उपभोग करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा करके तुम्हें यह पृथ्वी स्वर्ग समान और अपना जीवन सार्थक प्रतीत होंगे। गंधर्व कुमारियों के ऐसे वचन सुनकर अग्नेय ने कहा, हे कुमारियों, आपका कथन किसी अंश तक सत्य है, किंतु मैं तो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करने के पश्चात अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके फिर विवाह करूँगा। अभी मैं किसी के भी साथ विवाह नहीं कर सकता। अपने रूप, यौवन और वैभव के मद में चूर उन गंधर्व कुमारियों ने क्या कहा, यह जानेंगे कल की कथा में। कल की कथा सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।